बिरसिंहपुर पाली नई नगर परिषद के गठन हेतु चुनाव प्रक्रिया के तहत नामांकन दाखिल करने का काम पूर्ण हो चुका है। इस दौरान 15 वार्डों के पार्षद पद हेतु कुल 88 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत हुए। इनमें 36 पुरुष और 52 महिलाएं शामिल हैं। कई वार्डों में प्रमुख राजनीतिक दलों से टिकट मिलने की आशा में दो दो लोगों ने पर्चे भरे हैं। बताया गया है कि इनमें से जिसे भी संबंधित दल अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे उन्हें पार्टी का सिंबल मिल जाएगा। उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर को यहां नाम वापसी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और इसके बाद 15 सितंबर को नाम वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। 27 सितंबर को मतदान तथा 30 सितंबर को मतगणना होगी। आज पाली नगर पालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साहित है। बड़ी ऊर्जा और उत्साह के साथ सभी युवा साथी, बुजुर्ग साथी, मात्र शक्ति, सभी लोग मिलकर सभी पार्षद के उम्मीदवारों के साथ आज हमने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक और कैबिनेट मंत्री बहन सुश्री मीना सिंह के नेतृत्व में यहां पर सभी पार्षद प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी उमरिया जिले में कार्यकर्ताओं के उत्साह के दम पर, कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर और सभी मतदाता मालिकों के दम पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और निश्चित ही 15 वार्डों में भाजपा के प्रत्याशी जीत कर आएंगे और हम जीतेंगे और हम कमल का फूल खिलाते हुए नगर पालिका परिषद में भाजपा की सरकार बनाएंगे। पिछले वर्ष के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के 11 पार्षद प्रत्याशी जीत कर आए थे। हम उसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे और अधिकतम हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएंगे और लोगों को बात करने में और लोगों की उत्साह को देखते हुए ऐसा लगता है कि चारों तरफ भाजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ हमारा पार्षद पद का प्रत्याशी एक नहीं है, पूरे कार्यकर्ता, पूरी जनता चुनाव लड़ रही है। वार्ड का एक एक मतदाता मालिक आकर आज नामांकन दाखिल किया है। हमने एक पार्षद के दम पर नहीं, सभी मतदाता मालिकों के दम पर भाजपा के कमल को चेहरा बनाते हुए, भाजपा के कमल को पार्षद पद का प्रत्याशी बनाते हुए आज नामांकन दाखिल किया है। जनता का समर्थन है, दमखम तो जनता के समर्थन से आता है और आज कांग्रेस इसी संकल्प के साथ कि जो 15 साल की लूट है, जो 15 साल का भ्रष्टाचार है, जो जनता के साथ धोखा हो रहा है, उस धोखे से जनता को मुक्त कराने का संकल्प लेकर हम उतरे हैं और हमारे सारे प्रत्याशी, हमारे सारे कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से नगर को मुक्त कराने का संकल्प लेकर आए हैं। मैंने पहले ही कहा कि लूट और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, शासन की योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना जिसका बड़ा दमखम से जो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, 10,000 रुपये देकर पात्रों का नाम स्वीकृत किया जाता है, जो अपात्र हैं उनका नाम सूची में जोड़ा जाता है और पात्रों को हटाया जाता है। इस भ्रष्टाचार से जनता को मुक्त कराने का संकल्प है हमारा। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार आज फार्म भर रहे हैं और एक कार्यकर्ता के नाते से मैं भी भरवाने के लिए साथ में आई हुई हूं और बाकी तो नगरपालिका क्षेत्र की जनता है, आगे उनका काम होगा। जो कार्यकर्ता के नाते से जो मेरा काम है तो मैं आज आई हूं।